नमस्कार, मैं हूं साधना सिंह और आप देख रहे हैं आईबीएन 9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आगरा बॉम्बे नेशनल हाईवे NH3 पर बने टोल प्लाजा को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। युवा किसान संगठन द्वारा किया जा रहा है विरोध प्रदर्शन। टोल प्लाजा द्वारा मनमानी कर वसूला जा रहा है पैसा। अधूरे काम, अधूरी सड़कें हैं, फिर क्यों किसानों से लिया जा रहा है टोल? किसान संगठन की मांगे पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दे चुके हैं। क्षेत्रीय किसानों को भी देना पड़ रहा है टोल। विवादों में घिरा नजर आ रहा है पाल नगर टोल नाका। औद्योगिक थाना क्षेत्र में बने टोल नाके पर बीते दिनों भी दबंगों द्वारा हुई थी तोड़फोड़। दबंगों के खिलाफ टोल नाका प्रबंधक की शिकायत के बाद कई गाड़ियों को जब्त कर लिया गया था। विरोध प्रदर्शन जारी रहा, जाम की स्थिति देखी जा रही है। इंदौर भोपाल बाईपास पर किसान संगठन की माने तो पूर्व में भी किसानों की परेशानी को लेकर क्षेत्रीय मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, प्रभारी मंत्री जीतू पटवारी, क्षेत्रीय सांसद विधायक को भी अपनी परेशानियों से करा चुके थे अवगत। मध्य प्रदेश में भोपाल राजधानी शहर और इंदौर आर्थिक शहर है। देवास शहर के किसान अब इसी इंदौर भोपाल बाईपास से गुजरने वाले मंत्रियों का करेंगे बहिष्कार। नहीं होगा अब कोई भी स्वागत या अभिनंदन। किसलिए बैठे हो? क्या है धरने पे? हम लोग इसलिए बैठे हैं कि ये जो रोड है ये NH3 नेशनल हाईवे थी जो आगरा से लेके बॉम्बे तक जाता है, और एक तरीके से कहा जाए तो उज्जैन को भी अगर जाना है या भोपाल को भी जाना है तो यही मेन रोड है। भोपाल से लेके देवास तक जो ये रोड 4 लेन है, और देवास से लेके इंदौर तक जो यहाँ की जो दो राजधानी है मध्य प्रदेश की, जो आर्थिक राजधानी जो इंदौर है और एक राजनीतिक राजधानी जो भोपाल, उनके बीच में ये एक दूसरे को कनेक्ट करने वाली रोड है। अब नेशनल हाईवे के लिए मैं समझता हूँ कि जो भी नॉर्म्स है वो सब दूरेट जैसे होना चाहिए। अब इस रोड को अगर आप देखेंगे, शिप्रा से आगे देखेंगे तो हर जगह फ्लाईओवर बने, सर्विस रोड बना हुआ है, लेकिन देवास में जहाँ बाईपास बनाया गया है, चूंकि देवास शहर के अंदर से लोग निकलते थे और दुर्घटनाएं होती थी, तो उस दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ये बाईपास बनाया गया। जब पहले बनाया गया था तो सिर्फ 2 लेन बना दिया गया, कई फ्लाईओवर नहीं बनाए। फिर जनता ने बार बार अपील की, काफी धरने प्रदर्शन करे थे, इस रोड को 6 लेन किया गया। अब इसमें भी जो इंजीनियर थे या पता नहीं उनको क्या समझ में आया, जहाँ पे आवश्यकता थी, ये जो जेल चौराहा है जहाँ पर हम लोग धरने पे बैठे हैं, इसको अगर आप देखेंगे तो ये हाटपिपलिया, चापड़ा, बागली, उनकी रीढ़ की हड्डी है। अगर किसी को स्कूल जाना है, सब्जी लेने जाना है, कुछ भी करना है तो इसी चौराहे से होके निकलना है। कम से कम 50 से 60 हज़ार लोग प्रतिदिन यहाँ से निकल रहे हैं। उसके बाद में पालनागर चौराहा जो नागता पालनागर को शहर से जोड़ने के लिए मेन चौराहा है, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, सभी किसान सब लोग वहीं से जाते हैं। इस रोड को अगर देखेंगे तो यहाँ पे न तो सर्विस रोड बनाया गया, नई फ्लाईओवर बनाया गया, जिसकी वजह से पिछले एक वर्ष का अगर डेटा लेंगे तो 200 से अधिक मृत्यु हो चुकी है और 2500 से अधिक दुर्घटनाएं हो चुकी है। अब इस रोड को समझने के लिए ये है कि सरकार को अलग से कोई फंड नहीं लगाना। हालांकि जनता पेट्रोल डीजल खरीदती है, उसमें टैक्स देती है, इंश्योरेंस खरीदती है, उसमें टैक्स देती है, अगर कोई रॉन्ग साइड चलता है और चालान बनता है तो उसमें भी सरकार को एक तरीके से टैक्स देती है। लेकिन जब ये रोड बनाया जाता है तो यहाँ पर जनता से टोल टैक्स वसूला जाता है, लेकिन ये रोड पूरा नहीं हुआ, यहाँ पे टोल टैक्स लगा दिया। अब हम ये रोड किस लिए बनाया गया? जनता की सुरक्षा के लिए बनाया गया। तो हम सब लोग खुद ही यहाँ पर बोल रहे हैं कि भैया यहाँ फ्लाईओवर बना, जनता खुद बोल रही है सरकार को क्या करना है, आपने टोल टैक्स लगाया, दो रोड बढ़ाओ, जरूरत पड़े तो 1 साल का टाइम बनाओ, लेकिन यहाँ पे फ्लाईओवर बनाओ और सर्विस रोड बनाओ। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ IBN 9 न्यूज में। हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें।